अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 7B को, और 7B के टोटल हैं 12 क्वेश्चन हैं। हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर जो 12 क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं एक एक करके इनको सॉल्व करवाऊँगा और कोई भी क्वेश्चन मैं स्किप नहीं करूँगा। आपकी कंप्लीट बुक के अंदर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना, वो 7B ही है। तो इसके अंदर जितने भी फार्मूलाज यूज़ होते हैं और जितने भी इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, मैं इंशाल्लाह उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपने मैथ का कोई भी क्वेश्चन देखना हो, सर्च में लिखेंगे और साथ आप लिखेंगे सर राउफ, तो लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी 13B का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास जो डायाग्राम है ना, वो है पैरेललोग्राम है। तो उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया जो फाइंड करने का जो फार्मूला है वो इक्वल है BH के, ठीक है। हर डायग्राम का अलग अलग फार्मूला होता है, लेकिन हमारे पास जो गिवन डाटा है और जो हमें कंडीशन दी हुई है, उसके हिसाब से जो एरिया ये इक्वल आएगा BH के, ठीक है। यानी कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है BH के। तो बी का जो मतलब है वो है बेस, और एच का मतलब है हाइट। तो जो हमारा ए पार्ट है, इसके अंदर हमने एरिया को फाइंड करना है। तो ए को हम शो करते हैं ए से, और बी का मतलब आ गया जी बेस, और एच मतलब के हाइट। तो बी हमारे पास गिवन है, तो उसने या तो बेस स्किप की होगी, या हाइट स्किप की होगी, या एरिया स्किप किया होगा। यानी टू वैल्यूज़ हमारे पास होंगी, और हम थर्ड वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं किसको यूज़ करते हुए, ये फार्मूला यूज़ करते हुए, ठीक है। जो फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका, उसके अंदर वो क्या करेगा, वैल्यूज़ को चेंज करके भी दे सकता है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपने सिर्फ और सिर्फ इसका जो बेसिक फार्मूला है ये आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर एरिया को हमने फाइंड करना है जो ए पार्ट है। तो बी बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एच, एच का मतलब हाइट, वो हमारे पास है 7। तो यहाँ पर आ गया जी ए, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा जी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने सेंटीमीटर नहीं लिखना, क्योंकि जो 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये 84 आ गया। सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो सेम ऐसे ही जब सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेंटीमीटर के साथ, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये सारा यूनिट आपने लाजमी लिखना है, ठीक है, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत तसव्वुर किया जाएगा। ये था ए पार्ट, और अभी हम करते हैं बी पार्ट। अभी हम करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट के अंदर हमारे पास हाइट गिवन है, एरिया गिवन है, और हमने बेस को फाइंड करना है। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि जो ए है एरिया, ये इक्वल आएगा हमारे पास बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है। तो हमने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, बेस को फाइंड करना है ना, तो बी इधर ही रहेगा, ठीक है, और ये एच यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी एरिया ओवर हाइट आ जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास ए ओवर एच। तो एरिया हमारे पास गिवन है, एरिया कितना है, 42 है, तो यहाँ पर आ गया जी 42 ओवर हाइट। हाइट हमारे पास कितनी है, 6 है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, ठीक है। तो 6 को 7 6 1 और 6 7 42 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 7 आ जाएगा। तो आपने साथ इसके क्या लिखना है, मीटर लिखना है, मीटर स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि इन दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल होता है। देखें, इसने मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसके साथ मीटर ही लिखना है। जब हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, और साथ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था इसका बी पार्ट, और अभी हम करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट के अंदर हमने जो हाइट है, इसको हमने फाइंड करना है, गिवन हमारे पास बेस है और एरिया है। तो ऑलरेडी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये एरिया ये इक्वल है बी मल्टीप्लाई एच के। हमने एच की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो एच इधर ही रहेगा, जो बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी ए ओवर बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 42.9 ओवर बी, बी की वैल्यू है 7.8। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आता है 5.5। इसको डिवाइड करने के बाद 5.5 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई, तो इसका जो सारा यूनिट है वो आ जाएगा जी mm, ठीक है, यानी कि मिलीमीटर।
तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आई होगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है वो है 1/2 इंटू ए प्लस बी और मल्टीप्लाई एच। तो ये फार्मूला है ट्रापीजियम का, ठीक है। तो इसके अंदर जो साइड 1 है उसको हम ए से भी शो करते हैं, ए 7 सेंटीमीटर है। साइड 2 इसको हम बी से शो करते हैं, 11 सेंटीमीटर है। हाइट हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर और एरिया को हमने फाइंड करना है। तो बेसिक इसका जो फार्मूला है ये आपने माइंड में रखना है। तो इसके अंदर कहीं पे उसने साइड 1 को स्किप किया है, कहीं पे साइड 2 को, कहीं पे हाइट को और कहीं पे एरिया को, यानी 3 वैल्यूज़ हमारे पास होंगी और जो स्किप वैल्यू होगी उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मतलब यह है कि आपको जो है फार्मूला ये आना चाहिए। तो इसके अंदर सेम क्या है, इसके अंदर हमने ये फार्मूला है, इसके अंदर हम ए और बी और एच की वैल्यू को पुट करते हैं और हमारे पास एरिया आ जाएगा, सही है। तो एरिया को मैं ए से शो करता हूँ। ये फार्मूला हमारे पास है 1/2 ए प्लस बी और मल्टीप्लाई एच। तो यहाँ पर आ गया जी 1/2 ए, ए की वैल्यू यानी कि साइड जो 1 है वो हमारे पास ए को शो करती है, वो है 7। प्लस बी यानी साइड 2 11 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस बी, बी की वैल्यू 11 है और एच, एच की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर आ गया जी 6 आ गया। और यहाँ पर आ गया जी 1/2 7 प्लस 11 कितना होता है जी, 18 होता है। तो यहाँ पर आ गया जी 18 मल्टीप्लाई 6। तो इसको या तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, बाद में 2 से डिवाइड कर दें, या पहले इसको डिवाइड कर लें बाद में मल्टीप्लाई कर लें, वो कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको करता हूँ 2 1 और 2 9 18 होता है, ठीक है। तो 9 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 9 मल्टीप्लाई 6। 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया ये 54 आ गया। तो ये आ गया जी सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी ये हमारे पास एरिया आ गया है, ठीक है, जो कि हमने फाइंड करना था। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ए पार्ट की समझ आई होगी। अभी हम बी पार्ट को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट के अंदर जो हाइट है इसको हमने फाइंड करना है। तो साइड 1 मतलब कि ए, साइड 2 यानी कि बी, और हाइट को फाइंड करना है। एरिया हमारे पास 126 मीटर स्क्वेयर दिया हुआ है। तो सेम वही फार्मूला है, उसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एरिया इक्वल है 1/2 इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। तो एरिया की वैल्यू 126 है, यहाँ पर आ गया जी 126, ये इक्वल आ गया 1/2 ए, ए की वैल्यू क्या है 8, यहाँ पर आ गया जी 8 प्लस बी, बी की वैल्यू 10 है 10, और एच की वैल्यू को हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जी 126, ये इक्वल आ गया जी 1/2 8 प्लस 10 18 मल्टीप्लाई एच। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 126 मल्टीप्लाई 2, ये इक्वल आ गया जी 18 एच के, ठीक है। अभी 126 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास आता है 252, ये इक्वल आ जाएगा जी 18 एच के। क्या करना है, आपने 126 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 252 आ गया, ये आ गया 18 एच के। हमने एच की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो 18 यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये एच की वैल्यू है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 252 डिवाइडेड बाय 18, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आता है 14, ठीक है। एच की वैल्यू मेरे पास आएगी मीटर में, तो साथ आपने इसका यूनिट भी लिख देना है, ये आपने स्किप नहीं करना। तो ये था इसका बी पार्ट, और अभी हम करते हैं सी पार्ट। अभी हम करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट के अंदर जो साइड 2 यानी कि जो बी की वैल्यू है ये स्किप है, साइड 1 ए की वैल्यू दी हुई है, हाइट दिया हुआ है और जो एरिया है वो भी दिया हुआ है। तो हमने सिंपल क्या करना है, ये फार्मूला है, इसके अंदर इन 3 वैल्यूज़ को पुट करना है और यहाँ से बी की वैल्यू को हम ईजिली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखें जो एरिया है ये इक्वल है 1/2, फार्मूला भी मैं लिख रहा हूँ, इन टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। ए, ए की वैल्यू गिवन है 72,
यहाँ पर आ गया जी 72 इक्वल 1/2 ए, ए की वैल्यू गिवन है 5 प्लस बी, बी की वैल्यू को फाइंड करना है एच, एच की वैल्यू है जी 8। देखें ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 72 मल्टीप्लाई 2, ये इक्वल आ जाएगा इन टू 5 प्लस बी और ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, ये इक्वल आ गया जी 5 प्लस बी मल्टीप्लाई 8। देखें जो जो 8 है ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 144 डिवाइडेड बाय 8, ये इक्वल आ जाएगा जी 5 प्लस बी के। तो स्टूडेंट्स 144 को डिवाइड करें 8 के ऊपर तो ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 18, 18 इक्वल आ जाएगा 5 प्लस बी के। तो हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये जो 5 है इधर क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जो बी की वैल्यू है ये आ जाएगी 18, ये प्लस का 5 है ना, इधर आके क्या हो गया माइनस का 5 हो गया, तो 18 में से 5 को माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ गया 13 आ गया, वो साथ हम यूनिट लिख देंगे ठीक है, यानी कि ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास ये डायग्राम दी हुई है, ये हमारे पास है पैरेललोग्राम है, और जो ए बी की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, और बी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, और डी ई की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। तो हमने एरिया और पैरामीटर को क्या करना है फाइंड करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है बी एच, बी का मतलब है बेस और एच का मतलब है हाइट, और पैरामीटर को फाइंड करने का फार्मूला है 2 × a + b। तो सबसे पहले हम एरिया को फाइंड करते हैं, उसके बाद पैरामीटर को फाइंड करते हैं ठीक है। तो देखें ये हमारे पास डायग्राम है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए बी है, ये 10 सेंटीमीटर है, और बी सी क्या है 6 सेंटीमीटर है। अभी आपने इस डायग्राम के अंदर, ये पैरेललोग्राम है, इसके अंदर आपने ये देखना है कि बेस कौन सी है और हाइट कौन सी है ठीक है। तो हमें बेस और हाइट का पता चल जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई करके हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी हमारे पास पैरेललोग्राम डायग्राम आ जाए, आपने ये देखना है कि किस साइड पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ठीक है। देखें ये ए बी है, इस पर तो 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं बन रहा। अब अगर इसको मैं इस तरह देखूँ, इस डायग्राम को देखें, ये जो बी सी है इसके ऊपर ये 9 सेंटीमीटर का, ये 90 डिग्री का शो करता है ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बी सी पे बन रहा है, जिस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वो साइड हमारी बेस कंसीडर होगी ठीक है, और जो एंगल गिर रहा होगा उसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास हाइट कंसीडर होगी ठीक है। अभी जो बी सी, यानी कि जो बी सी है ये 6 सेंटीमीटर है, ये हमारी बेस होगी, और जो इसके ऊपर एंगल गिर रहा है 90 डिग्री का ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है ना डी ई, ये बी सी पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये जो लाइन है डी ई ये हमारी हाइट होगी, और बी सी और जिस पे गिर रही है, जिस पे वो लाइन गिर रही है यानी वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वो हमारी बेस कंसीडर होगी ठीक है। तो अभी बेस क्या है 6 होगी, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहीं पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। बी हमारी क्या होगी 6 होगी मल्टीप्लाई, अभी जो डी ई है जो बेस पे लाइन गिर रही है यानी ये हमारी जो है हाइट कंसीडर होगी, यानी 9 हमारा क्या होगा हाइट होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा जी 54 आ जाएगा ठीक है। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ठीक हो गया। स्टूडेंट्स ये बात आपने माइंड में रखनी है, आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको वो वैल्यूज़ चेंज करके भी दे सकता है ठीक है। तो आपने बस ये माइंड में रखना है कि जिस लाइन पर वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ठीक है, वो बेस होगी, और जो लाइन एंगल बना रही है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी हाइट होगी ठीक है। अभी हमने फाइंड करना है पैरामीटर, तो पैरामीटर को फाइंड करने का फार्मूला है 2 × a + b ठीक है। आप इस साइड को a कंसीडर कर लें या इसको कर लें वो आपकी मर्ज़ी है, ये दोनों क्या हो रही हैं आपस में प्लस हो रही हैं ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, ये जो साइड है ना इसको मैं a कंसीडर कर लेता हूँ ठीक है, और ये b हो जाएगी। ए बी यानी कि ये जो लाइन, इसको मैं लाइन 1 का नाम देता हूँ यानी ये ए होगी, और इसको मैं L2 का यानी लाइन 2 का नाम देता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगी बी हो जाएगी ठीक है। तो
ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, मतलब कि लाइन वन की वो 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 10 प्लस बी। बी का मतलब लाइन टू, यानी कि ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। अब इनको सोल्व करते हैं, यहाँ पर आ गया जी 2, अभी 10 प्लस 6 कितना होता है जी 16, अभी 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा जी 32 आ जाएगा, ठीक है 32 सेंटीमीटर। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना है, जो लेंथ ऑफ पी क्यू है इसको हमने फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो हमने इजीली जो एरिया था वो फाइंड कर लिया था, लेकिन ये जो डायग्राम है इसके अंदर हमारे पास 290 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, यानी 2 बेस होंगी और 2 ही हाइट होंगी, और उसकी बेस पे हम पी क्यू की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम हमारे पास डायग्राम है, अगर मैं पी क्यू लाइन को लूँ तो इसके ऊपर जो एस टी है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये जो लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि पी क्यू हमारे पास बेस होगी और जो एस टी है ये हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी, अगर हम फर्स्ट एरिया को फाइंड करें। और जो सेकंड एरिया हम फाइंड करेंगे तो वो हम इस वाली लाइन को देखेंगे, देखें ये जो क्यू आर है ये हमारे पास बेस होगी क्योंकि इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से बताया है अभी कि जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वो लाइन हमारे पास क्या होगी, बेस होगी, और जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी वो हमारे पास हाइट होगी, ठीक है। और हमें बेस का पता चल जाए और हाइट का पता चल जाए तो हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अब देखें अगर इस वाली लाइन को मैं लूँ तो पी क्यू हमारे पास क्या होगी, बेस होगी, और एस टी हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। अगर मैं इस लाइन को लूँ तो क्यू आर हमारे पास बेस होगी और एस यू जो है ये हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। हम दो जो हैं वो एरिया फाइंड करेंगे, उसकी बेस पर हम पी क्यू की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम एरिया को फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट एरिया और सेकंड एरिया को हम फाइंड करेंगे, और फर्स्ट एरिया और सेकंड एरिया एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसकी बेस पर हम पी क्यू की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बेस और हाइट को हम यहाँ से फाइंड करते हैं। तो एरिया का फार्मूला क्या है, बी एच, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइट। अगर पी क्यू को मैं बेस लेता हूँ, पी क्यू को मैं बेस लेता हूँ तो एस टी हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। तो पी क्यू बेस होगी, पी क्यू बेस है मल्टीप्लाई हाइट, वो क्या है, एस टी आ गया, एस टी हाइट होगी। ये इक्वल आ गया, ये फर्स्ट हमारा एरिया हो गया। सेकंड एरिया क्या होगा, सेकंड एरिया क्यू आर हमारे पास बेस होगी और एस यू जो है ये हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। यानी क्यू आर ये बेस है मल्टीप्लाई एस यू, एस यू हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। यानी इसके अंदर दो बेस हैं और दो ही हाइट हैं, तो हमने ये फर्स्ट एरिया फाइंड कर लिया और ये सेकंड एरिया फाइंड कर लिया। तो इसकी बेस पर हम पी क्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो पी क्यू को हमने फाइंड करना है मल्टीप्लाई एस टी, एस टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है, 8 मीटर है, तो यहाँ पर आ गया जी 8। ये इक्वल, उसके बाद क्यू आर, क्यू आर बेस है, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है, 10 मीटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 10 मीटर मल्टीप्लाई एस यू, तो एस यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 11.2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 11.2 आ जाएगा। तो पी क्यू इक्वल आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 11.2 ओवर, देखें ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 11.2 के साथ तो ये आता है 112 ओवर 8। अगर 112 को 8 से डिवाइड करें, 8 वन ज़ा 8, 8 वन ज़ा 8 और 3 कैरी, तो 8 फोर ज़ा कितना होता है, 32 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 14 आ जाएगा। 112 को डिवाइड करें 8 के साथ तो 14 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा, ये पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आई होगी। सिंपल मेथड है कि आपने सबसे पहले बेस को देखना है कि बेस कौन सी है, बेस वो होगी जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और हाइट वो होगी जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो बेस और हाइट को फाइंड करें और एरिया को फाइंड करें,
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर हमने एरिया और पेरीमीटर को फाइंड करना है, और जो डायग्राम है वो है ट्रापेजियम है। तो ए बी की वैल्यू है 35.5 सेंटीमीटर, और सी बी की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, और डी सी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, और सी ई की जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर, और डी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूले आने चाहिए कि एरिया को और पेरीमीटर को फाइंड करने का फार्मूला क्या है। ट्रापेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 (a+b) और मल्टीप्लाई एच, और पेरीमीटर को फाइंड करने का फार्मूला होता है (a+b+c+d)। तो अभी हमने ये देखना है कि एच की वैल्यू इस डायग्राम के अंदर क्या है, ए की वैल्यू क्या है, और बी की वैल्यू क्या है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आगे उसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा। अभी ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूलाज हैं एरिया का और पेरीमीटर का। तो 1/2 (a+b) और h, और पेरीमीटर का फार्मूला है (a+b+c+d)। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने ये देखना है कि a और b और जो h है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि a और b की वैल्यू इस डायग्राम के अंदर क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डायग्राम होती है ना ट्रापेजियम, इसके अंदर टू लाइन्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तो देखें ये जो लाइन है डी सी और ए ई, ये टू लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। मतलब ये है कि ये टू लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो जो टू लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं उसको हम ए और बी का नाम देते हैं। तो इसको आप ए का नाम दे दें या इसको ए का नाम दे दें, वो कोई इश्यू नहीं है। अगर ये ए है तो ये बी हो जाएगी, अगर ये ए है तो ये बी हो जाएगी, ठीक है। यानी ए की वैल्यू हमारे पास, चलो इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो गई। अभी एच की वैल्यू को हमने देखना है कि क्या है, जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी उसको हम कहते हैं एच, ठीक है। अब देखें ये जो साइन होता है ना, ये 90 डिग्री को शो करता है। अब जो सी ई जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। जो ए बी पर सी ई है ये इसके ऊपर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सी ई हमारे पास एच की वैल्यू होगी, यानी कि हाइट होगी। तो सिंपल हम इसके अंदर वैल्यूज़ को अभी पुट करते हैं। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया, ये इक्वल आ जाएगा 1/2 ए की वैल्यू हमने अभी, मैंने आपको बताया है कि ए की वैल्यू क्या है 20 है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 20 + b, तो b की वैल्यू क्या है 35.5 है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 35.5 × h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा जी 15 आ गया, ये इक्वल आ गया जी 1/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा जी 55.5 × 15। अभी इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 416.25। ये एरिया है तो इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, एरिया। तो ये हमने एरिया को फाइंड कर लिया। अभी हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला है (a+b+c+d)। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पी ही लिख लेता हूँ, यानी कि पेरीमीटर (a+b+c+d)। तो ये वैल्यू तो हमारे पास a की थी ना, तो यहाँ पर आ जाएगा जी a की वैल्यू कितनी आ गई 20 + b, तो b की वैल्यू कितनी है 35.5, तो यहाँ पर आ गया जी 35.5। पेरीमीटर में क्या करते हैं, इसकी 4 साइड्स होती हैं, तो ये तो ए होगी और ये बी होगी। अब इसको आप सी का नाम दे दें या इसको, ये तो सी डी सी बी है ना, तो ये सी हो जाएगी और ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। यानी 4 साइड्स है ना इसकी ट्रापेजियम की, तो ये तो ए होगी, डी सी इसको हम ए का नाम दे दिया, और ये बी की वैल्यू होगी, और ये सी की वैल्यू होगी, और ये डी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये इससे स्किप करेंगे क्योंकि इसमें हाइट नहीं है, यानी कि ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है और डी है, यानी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। तो ये तो बी की वैल्यू होगी। अभी सी की लाइन कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी +18 +
16 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो डी की वैल्यू है 16। अभी हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 89.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पेरीमीटर आ जाएगा। और एरिया का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और जो पेरीमीटर का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी जब बेस सेम होगी तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो इसका यूनिट सेंटीमीटर है, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर है, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और ये फोर जो वैल्यू हैं ये आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो ऐड में जो पावर्स हैं वो ऐड नहीं होती, तो इसका सिंपल जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपने एग्ज़ाम के अंदर मिस्टेक नहीं करनी, इससे आपका जो मार्क्स है वो कट सकता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। इसके अंदर हमारे पास जो डायग्राम है वो है ट्रापीजियम, जिसका नाम है PQRS है, ठीक है। और इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना है, RS की वैल्यू को फाइंड करना है और QR की वैल्यू को फाइंड करना है। और गिवन डाटा हमारे पास एरिया है, एरिया 150 मीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर जो है वो 54.7 मीटर है, और PS की वैल्यू 13 मीटर है, और PT की वैल्यू 10 मीटर है, और PQ की वैल्यू 12 मीटर है। तो हमने इस जो डाटा हमें गिवन डाटा है इसको यूज़ करते हुए हमने RS और QR की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास जो ट्रापीजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी एच, ठीक है। तो हमारे पास जो टू साइड पैरेलल होती है ना, देखें एक साइड ये एरो है और ये है, ये दोनों साइडें एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, यानी कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। मैंने जो प्रीवियस, अगर आप एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं उसके अंदर मैंने बताया है कि जो टू लाइंस ट्रापीजियम की पैरेलल होती हैं, इसमें से जो एक साइड होती है ना वो ए होती है, और जो दूसरी साइड होती है वो क्या होती है, बी होती है। या आप इसको ए का नाम दे दें, या इसको बी का नाम दे दें, या अगर इसको ए का नाम दिया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। और एच वो वैल्यू होती है जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखें, जो पी टी है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है किस पे, आर एस पे। तो इसका मतलब ये है कि जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन, वो क्या होती है, हमारे पास हाइट होती है। तो हमारे पास 1/2 इंटू ए प्लस बी, ए की वैल्यू भी है, और या तो आप इसको, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो बी की वैल्यू भी है और एच की वैल्यू भी है, और हमारे पास एरिया भी है। तो हम इजीली जो आर एस या एस आर की जो वैल्यू है हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं सोल्व करता हूँ तो आपको समझ आएगी, उसके बाद हम क्यू आर को बाद में फाइंड करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, जो पार्ट नंबर इसका 1 है, जिसके अंदर हमने आर एस को फाइंड करना है, तो 1/2 इंटू ए प्लस बी और H मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल है 150 के, क्योंकि ये एरिया का फार्मूला है और एरिया हमारे पास गिवन है वो है 150 है। तो अभी देखें, ये जो हमारे पास RS है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ A का, क्योंकि ये टू लाइन आपस में पैरेलल है ना, ये A हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। जो टू लाइन पैरेलल होती हैं वो A और B कंसीडर होती हैं, ये A होगी, ठीक है। इसको मैं R, जहाँ पर A होगा वहाँ पर मैं RS लिखूँगा, और जहाँ पर B होगा वहाँ पर तो हम 12 लिखेंगे ना, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर आ गया जी 1/2 इंटू ए, ए की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है ना, तो ये आर एस इसकी जगह पे मैं लिखूँगा, तो यहाँ पर आ गया जी आर एस प्लस बी, तो बी की वैल्यू ये हमारे पास है 12 है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 12। और एच जो वैल्यू 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो हमारे पास हाइट होती है, ये है 10 मीटर, तो एच की जगह पर अभी हम लिखेंगे 10, ये इक्वल आ जाएगा जी 150 के। अब देखें, ये जो 2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 कैंसिल आउट, यानी आर एस प्लस 12, ये 10 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 150 मल्टीप्लाई, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई हो गया। तो 150 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 300 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल आ गया जी आर एस प्लस 12, ये इक्वल आ गया, देखें ये 300 तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये जो 10 है ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो ये इक्वल आ गया जी 30 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर आ गया जी आर एस प्लस 12, ये इक्वल आ गया जी 30 के। तो हमने आर एस की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो आर एस ये इक्वल आ जाएगा, आर एस ये इक्वल आ जाएगा 30,
ये प्लस का 12 है, इधर आके क्या हो गया जी, माइनस का 12 हो गया। तो 30 में से 12 करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा, ये आर एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, सिंपल क्या करना है आपने, ये फार्मूला है, फार्मूला के अंदर हम जानते हैं कि जो ए प्लस बी की जो वैल्यूज़ हैं ट्रापेज़ियम के अंदर जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो ए और बी की वैल्यूज़ होती हैं। तो एक हमारे पास बी की वैल्यू दी हुई है और ए की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, और ए यहाँ पर हमारे पास आर एस की वैल्यू है और हाइट हमारे पास गिवन है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो स्टूडेंट्स ये था इसका, ये आर एस पार्ट वन को हमने सोल्व किया है, पर अभी हम क्यू आर की वैल्यू को भी फाइंड करते हैं। अभी हम क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है ना, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इक्वल होता है पेरीमीटर के। तो पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 54.7 है, ठीक है, ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। और उसके बाद ए, ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो कितनी आई थी हमारे पास, आर एस की वैल्यू आई थी 18, ठीक है। अगर ये ए की वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, और ये सी की वैल्यू हो जाएगी, और ये डी की वैल्यू हो जाएगी, यानी क्यू आर जो है ये डी की वैल्यू हो जाएगी जो कि हमने यहाँ से फाइंड करनी है। तो सिंपल हम ये वैल्यू भी है, ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है, और डी की हमने फाइंड करनी है, डी मीन क्यू आर की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं और क्यू आर की वैल्यू को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखें अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करता हूँ, ए, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 18, जो कि अभी हमने फाइंड की है आर एस की वैल्यू, प्लस बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर है 12, प्लस सी, सी की वैल्यू यहाँ पर है 13, प्लस डी, डी का मतलब ये है कि हमने क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्यू आर, ये इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है 54.7 मीटर। ठीक हो गया, अब इन तमाम वैल्यूज़ को यानी 18 प्लस 12 प्लस 13 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 30 प्लस 13, ये आ गया जी प्लस क्यू आर, ये इक्वल आ गया जी 54.7। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा जी 43 प्लस क्यू आर, ये इक्वल आ जाएगा जी 54.7। अब क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करना है, ये इक्वल आ जाएगा, ये प्लस 43 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 43 हो जाएगा। तो 54.7 माइनस 43, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 11.7। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 11.7 मीटर आ जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ मीटर में हैं तो ये भी मीटर में आ जाएगा। तो देखें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर हमने जो शेडेड रीजन है ना, ये वाला और ये वाला, इसका इसका हमने एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। और टोटल ट्रापेज़ियम ए बी सी डी हमारे पास गिवन है, अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रापेज़ियम का जो टोटल एरिया है हम उसको फाइंड करेंगे, और उसमें से जो ट्राइंगल का एरिया होगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी सी डी ट्रापेज़ियम है, सबसे पहले टोटल एरिया फाइंड करते हैं, उसमें से इसका जो एरिया आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचेगा वो शेडेड रीजन का ही एरिया होगा। अभी मैं फार्मूला लिखता हूँ ट्रापेज़ियम का, टोटल एरिया को फाइंड करने का फार्मूला आप जानते ही हैं कि 1/2 इंटू ए प्लस बी एच होता है, और जो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बी एच होता है। अभी ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू क्या होगी, और ट्राइंगल की बेस क्या होगी, हाइट क्या होगी, वो मैं फार्मूला लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ तो आपको ईजिली समझ आएगी। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये ट्रापेज़ियम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी एच माइनस, ये ट्राइंगल का एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है 1/2 इंटू बी एच। ठीक है, टोटल में से हम ट्राइंगल का जो एरिया है, ये टोटल है ना, इसमें से ट्राइंगल का जो एरिया है इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। तो अभी सिंपल हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अभी देखना ये है कि ए और बी की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और एच की वैल्यू क्या है। अभी आप गौर करें तो यहाँ पर आ जाएगा जी 1/2 इन टू ए प्लस बी। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो सुने हुए हैं तो उनके अंदर मैंने बताया हुआ है कि ट्रापेज़ियम की जो टू लाइन्स पैरेलल होती हैं ना, एक ये लाइन पैरेलल है और एक ये है, ये हमारे पास ए और बी कंसीडर होती हैं, यानी जो टू लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं,
वो टू लाइंस हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ होती हैं। तो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू कितनी है, 14 है। तो यहाँ पर आ गया जी 10 प्लस 14 आ गया, ठीक हो गया। अभी ट्रापीजियम के अंदर जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो हमारे पास हाइट होती है। अभी आप गौर करें तो ये जो लाइन है ये वाली बी ए या ए बी, ये ए डी पर 90 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी ट्रापीजियम की, ठीक है। जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना वो हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है ट्रापीजियम के अंदर, जो फार्मूला होता है। तो ए बी या बी ए की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो ये हमारे पास हाइट होगी, कितनी होगी जी, 12 होगी। माइनस अभी हमने ट्राइंगल को देखना है कि इसके अंदर बेस और हाइट क्या है, तो यहाँ पर आ गया जी 1/2। ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। अभी हम इसको इस तरह, इस डायग्राम को इस तरह देखेंगे, ये जो बी सी है ना ये हमारे पास क्या है, इसकी बेस है। तो बेस कितनी है, 14 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी 14 लिख देंगे, ठीक है, ये बेस होगी। अभी हमने देखना है कि इसकी हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास ये होगी इसकी, ये ट्राइंगल है ना, इसकी ये हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। अब इसकी तो लेंथ हमारे पास नहीं है, ये टू लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो मतलब ये है कि जितनी ए बी की लेंथ होगी उतनी ही इसकी लेंथ होगी, ठीक है। आप गौर करें, ये टू लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है ना, इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये इसकी हाइट है। अगर ये ए बी 12 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर ही होगा। यानी जो ट्रायंगल की जो हमारे पास हाइट है वो भी कितनी होगी, 12 ही होगी। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई जी, 12 होगी। ये आपस में क्या हो रही है जी, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक हो गया। अभी पता चल गया आपको कि ए बी और एच और बी एच की वैल्यू को मैंने कैसे पुट किया है। अभी सिंपल इसको हमने कैलकुलेट करना है और आगे इसका आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पर आ गया जी 1/2, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आ गया जी 24 मल्टीप्लाई 12 माइनस, ये 2 1 2 और 2 7 कितना होता है, 14 होता है। और 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 84 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 2 2 7 14 और 7 को फिर 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया जी, 84 आ गया, ठीक है। अब सिंपल इसको भी कर लेते हैं, 2 1 2 2 1 2 और 2 2 4 होता है। अभी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 44 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 84। अभी 144 में से माइनस 84 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या आ गया, अभी जो शेडेड रीजन है ना ये वाला, इसका हमारे पास क्या आ गया है जी, एरिया आ गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रापीजियम का जो एरिया है उसको फाइंड करना है, वो ट्राइंगल का एरिया को फाइंड करना है। ट्रापीजियम का जो एरिया है उसमें से ट्राइंगल का जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है इसका क्या आ जाएगा जी, एरिया आ जाएगा। तो अगर हम इस डायग्राम पर गौर करें तो हमारे पास टू पैरेललोग्राम डायग्राम बन रही हैं, एक तो है ए बी एफ जी और सेकेंड है सी डी ई एफ, और इन दोनों का जो एरिया का सम है वो हमारे पास गिवन है 702 मीटर स्क्वायर है। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से डिवाइड कर दूं तो इसका मेरे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्यों करना है वो आगे मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद जो हमारे पास, यानी सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जो इसका एरिया दिया हुआ है ना, इन दोनों का जो सम है वो 702 है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको 2 के साथ आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद जो बी सी का हाफ है वो क्या है, जी एफ है, इन जी एफ की वैल्यू बी सी का हाफ है। तो गिवन हमारे पास है कि जी एफ की वैल्यू 27 मीटर है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये बी सी का हाफ है ना 27, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी सी की वैल्यू 54 मीटर आ जाएगी। तो हमने इसका जो है वो एरिया हमने फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बी एच। तो बेस बी मतलब बेस की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हमने हाइट की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हाइट की वैल्यू हम सबसे पहले इसकी मदद से इसकी हम हेल्प लेंगे और हम हाइट फाइंड करेंगे और आगे फिर इसका एरिया को हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखें इसका हमारे पास एरिया भी आ गया और इसकी बेस भी आ गई। तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम होती है डायग्राम, उसका जो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है वो है बी एच।
यानी हमारे पास बेस भी है एरिया भी है, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा, और हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम हाइट को फाइंड करते हैं। अभी हम पैरेललोग्राम का जो फार्मूला है इसको यूज़ करते हुए हम एच की वैल्यू को फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इसका एरिया को फाइंड करने का फार्मूला होता है ना, वो होता है 1/2 BH। तो बेस हमारे पास है, हमें हाइट चाहिए, तो हाइट हम इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एरिया इसका हमारे पास गिवन है। 702 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास इस वाली डायग्राम का मेरे पास क्या आ गया है, एरिया आ गया है, क्योंकि इन दोनों का जो सम था ना वो था 702। तो ये 2 डायग्राम थी, मैंने 2 से डिवाइड कर तो मेरे पास इसका एरिया आ गया है। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 351 m² आ गया, ठीक है। तो ये बी एच है, तो बेस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 27 m है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 27, ठीक है। एच एच को हमने फाइंड करना है, मतलब कि हाइट इक्वल एरिया। ये पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास गिवन है 351, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 351 आ जाएगा। हमने एच की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो एच इक्वल आ जाएगा जी 351/27। तो अगर मैं 351 को 27 पे डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 13 m आ जाएगा, ठीक है। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है जी, 13 m आ गई है। अगर ये टू लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ये एरो जो है ये शो कर रहे हैं कि ये टू लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अगर इसकी हाइट 13 m आई है तो इसका मतलब यह है कि इसकी हाइट भी कितनी होगी, 13 m ही होगी, क्योंकि ये टू लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। अगर इसकी हाइट 13 m आई है तो यहाँ पर भी 13 m होगा, यहाँ पर भी 13 m होगा, और यहाँ पर भी 13 m होगा। तो हमारे पास बेस भी गिवन है ट्राइंगल की और हाइट भी गिवन होगी, वो कितनी आई है, 13 m आई है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का हम एरिया को अभी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ फार्मूला। अभी देखें स्टूडेंट्स, एरिया फॉर ट्राइंगल 1/2 BH है, तो यहाँ पर हमने इसका एरिया को फाइंड करना था ना, जो शेडेड रीजन था, तो यहाँ पर आ गया जी 1/2 बेस। तो बेस हमारे पास गिवन है 54 m है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 54, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट हमारे पास अभी गिवन आई है वो कितनी आई है, 13, तो यहाँ पर आ गया जी 13 आ गया। तो 2 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी इनको मल्टीप्लाई कर लें, बाद में 2 से डिवाइड कर लें, या 2 1 2 2 2 4 होता है, और ये होगा जी 14 2 7 14, 27 × 13, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 27 × 13। तो इनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है जी 351, यानी यहाँ पर आ जाएगा जी मीटर स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर में वैल्यू है ये भी और ये भी, तो ये मीटर स्केयर आ जाएगा। तो जो शेडेड रीजन था इसका जो एरिया हमारे पास आया है वो है 351 आया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये हमारे पास बेस गिवन है, ये 2 हमारे पास, इन दोनों का जो सम है एरिया वो है 702 है, इसको 2 से डिवाइड करना है, एक एरिया हमारे पास आ जाएगा, बेस भी है और एरिया भी है। इसको यूज़ करते हुए हमने हाइट को फाइंड करना है, जब हाइट आ गई है तो ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो यहाँ पर जितनी हाइट है उधर ही इतनी होगी, ठीक है। तो अगर ये 13 m हमारे पास हाइट आई है तो ट्राइंगल की हाइट भी कितनी होगी, 13 ही होगी। बेस गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो इसका हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं ये फार्मूला लगा के, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। तो इसके अंदर हमारे पास एक रिक्टेंगल दी हुई है, तो रिक्टेंगल का मतलब यह है कि इसकी 4 साइड्स होती हैं और 2-2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखें ये 10 cm थी और ये 15 cm है, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये 25 cm हो गई। अगर ये 25 cm है तो ये जो साइड है ये भी क्या होगी, 25 cm होगी। ये 12 cm है और ये 14 cm है, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये 26 cm होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास उसने ये वाली वैल्यू नहीं दी हुई, अगर ये 2 cm गिवन है तो ये 5 cm गिवन है, 5 और 2 को ऐड किया तो 7 हो गया, 26 में से 7 को मैंने माइनस किया तो ये 19 cm हमारे पास यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो एक तो 25 cm ये मैंने अपनी तरफ से इसको लिखा है, उसके बाद 26 इन दोनों को ऐड करके मैंने अपनी तरफ से लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में इजी हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू है 19 cm इसको मैंने फाइंड किया है, क्योंकि ये और ये साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है,
ये 26 सेंटीमीटर है, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर हमने शेडेड जो रीजन है उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके अंदर जो ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास ट्राइंगल है। अगर सबसे पहले हम टोटल एरिया को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो टोटल एरिया को फाइंड करने के बाद इसका एरिया को फाइंड करेंगे, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, फिर उसके बाद ये सर्कल है, उसके बाद ये ट्राइंगल है। अगर इन तीनों का एरिया को हम फाइंड करें और टोटल एरिया में से माइनस कर दें तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो टोटल एरिया है उसको हम फाइंड करेंगे। तो देखें जो टोटल एरिया है इसका, रिक्टेंगल का टोटल एरिया को फाइंड करने का फार्मूला होता है एल बी, यानी कि हमारी जो लेंथ है और विड्थ है इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सर्कल, ये वाला सर्कल है, तो सर्कल का फार्मूला हमारे पास होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और उसमें से इसका एरिया को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक क्या है, ट्राइंगल है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 BH, तो ये हमारे पास बेस हो जाएगी और ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। इसका हम इजीली इसका जो है एरिया को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो ये तो हमारे पास बेस है, ये मैंने अपनी तरफ से ये लाइन लगाई है, क्योंकि जो लाइन बनाती है लाइन, यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है लाइन, वो हमारे पास हाइट होती है, वो जिसके ऊपर बनता है वो होती है बेस। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर ही हाइट इसकी होगी, और ये जो बेस है ये हमने फाइंड की है 19 सेंटीमीटर। तो सिंपल हमने क्या करना है, रिक्टेंगल का जो टोटल एरिया होगा उसमें से सर्कल का जो है एरिया उसको माइनस करना है, और ट्राइंगल का जो एरिया उसको माइनस करना है, और पैरेललोग्राम का जो एरिया उसको हमने फाइंड करना है। तो अभी मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ आएगी कि शेडेड रीजन को हम कैसे फाइंड करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, रिक्टेंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला है एल बी, माइनस हम कर देंगे सर्कल का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल का जो एरिया होगा 1/2 BH, माइनस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा बी एच, यानी इन तीनों का जो एरिया होगा उसको हम माइनस कर देंगे रिक्टेंगल का जो एरिया होगा उसमें से, तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है ये वाला आ जाएगा, यानी इसका, इसका और इसका तीनों का हम अब एरिया को फाइंड करेंगे। ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इन तीनों का जो एरिया होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। अभी हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो अभी देखें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, ठीक है। तो देखें ये 25 है और ये क्या है, 26 है। तो सबसे पहले ये रिक्टेंगल है ना, तो इसके जो लेंथ और विड्थ है इसको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 25, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 25 मल्टीप्लाई 26, और यहाँ पर आ गया जी माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी आगे सर्कल है ना, तो सर्कल का फार्मूला है, सर्कल का जो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 3.14, ये हम पढ़ते आए हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। आर स्क्वायर, आर मतलब ये इसका रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई 4। तो फिलहाल मैं अभी इसका 4 का स्क्वायर ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास इसका रेडियस दिया हुआ है। उसके बाद आ गया जी माइनस 1/2, अभी जो ट्राइंगल है इसका फार्मूला 1/2, ये 1/2 आ गया बेस, तो इसकी बेस हमारे पास गिवन है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये ट्राइंगल है इसकी बेस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसकी जो बेस है वो आगे जी 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये गिवन है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो आ जाएगी जी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आ गया जी माइनस पैरेललोग्राम का जो एरिया का फार्मूला है वो है बी एच। अब हमारे पास ये हमारी बेस हो गई, क्योंकि ये जो लाइन मैंने खुद से ड्रा की है ये इस पे 90 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है, जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल होता है ना वो हमारे पास होती है बेस। तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो है 19 सेंटीमीटर। तो टोटल हमारे पास 26 है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सम की और माइनस की, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, ये है 19 सेंटीमीटर। तो इसकी जो बेस है, यानी बेस हमारे पास कितनी आ गई जी, 19 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई हाइट,
तो हाइट हमारे पास, ये मैंने एक लाइन ड्रा की है ना खुद से, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये टू लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, जो लाइन बनाती है एंगल, तो वो होती है हमारे पास हाइट। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई है जी, 10 आ गई है। तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले आप इसका जो है वो एरिया फाइंड कर लें, फिर इसका कर लें, इसका कर लें, इसका कर लें, और इन तीनों को ऐड करें और इसमें से माइनस कर दें। तो एक ये भी मेथड है, ये थोड़ा सा ईजी है कि आप सबसे पहले सब फार्मूलाज लिख लें, उसके बाद वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो इससे ये है कि मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब 25 को 26 से हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया जी 650, यहाँ पर आ गया जी 650 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया जी माइनस, ये 3.14 है, ये 4 का स्केयर आ जाएगा, 4 का स्केयर कितना होगा हमारे पास 16, यानी 4 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई 4 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 50.265। ठीक है, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 4 का स्केयर 16 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ गया जी माइनस, 2 1 2 2 6 कितना होता है जी, 12 होता है। अभी 6 को 15 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 90 आ जाएगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना आ गया जी, 90 आ गया। यहाँ पर आ गया जी माइनस, अब 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 190 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब 650 में से माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू, फिर करेंगे माइनस ये वाली वैल्यू, फिर करेंगे माइनस ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 319.73, और साथ में आ जाएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा, तो इसका आंसर ये भी है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू पॉइंट से आगे क्या है, 7 है। अगर ये 5 से बिग डिजिट हो तो इस इधर एक जो डिजिट है वो बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3, ये 19 है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 20 आ जाएगा, यानी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने इनको सोल्व करना है, उसके बाद 650 माइनस ये वाली वैल्यू, फिर माइनस ये वाली वैल्यू, फिर माइनस ये वाली वैल्यू, तो सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। ये था इसका ए पार्ट, और अभी हम इसका करते हैं बी पार्ट। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है, इसके अंदर अगर हम गौर करें तो ये जो डायग्राम है, ये हमारे पास है ट्रापीजियम है, तो इसका हमने जो शेडेड रीजन है, इसका हमने एरिया को फाइंड करना है, और जो सर्कल है इसका हम एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। तो टोटल जो है एरिया को फाइंड करने का जो फार्मूला है ट्रापीजियम का, वो है 1/2 इंटू ए प्लस बी एच। तो ये टू लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है ना, तो ये वैल्यू ए की हो जाएगी, ये बी की ही हो जाएगी। ठीक है, ट्रापीजियम के अंदर जो टू लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं वो ए बी कंसीडर होती हैं, और एच की वैल्यू, जो वैल्यू 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो वैल्यू हाइट होती है। तो ये जो है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन, तो ये जो इसकी हाइट हो जाएगी। और जो सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 होती है, और आर यानी कि रेडियस वो भी गिवन है। तो सिंपल हम इसका जो है सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रापीजियम का एरिया आ गया है, और ये है सर्कल का एरिया है, यानी जो टोटल एरिया होगा उसमें से हम जो सर्कल का एरिया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी 1/2 इन टू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 18 और बी की वैल्यू आ जाएगी 35, तो यहाँ पर आएगा जी 18 प्लस 35 मल्टीप्लाई एच, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 18 है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 18 माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है जी, 3.14 मल्टीप्लाई आर, तो आर हमारे पास गिवन है, रेडियस ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 6, ऊपर इसका स्केयर है तो यहाँ पर इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखें ये 2 1 2 2 9 कितना होता है जी, 18 होता है, तो इन दोनों को ऐड किया वैल्यूज़ को, 18 प्लस 35
तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 53 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पर आ गया जी 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया जी माइनस 3.14 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर कितना होता है जी, 36 होता है। तो अभी 53 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा जी 477 माइनस, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 113.04। तो 477 में से माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 363.96। तो ये देखें, ये पॉइंट के बाद 96 है, ठीक है, नहीं 96 है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 364 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 364 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ गया है, ठीक है। टोटल एरिया को फाइंड किया, माइनस हमने कर दिया जो सर्कल का एरिया है उसको, तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट को सोल्व किया था, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 भी है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ट्रापेज़ियम है। तो ट्रापेज़ियम ये कैसे है, क्योंकि इसके अंदर जो टू लाइंस हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। तो जिस डायग्राम के अंदर टू लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, वो क्या होता है, ट्रापेज़ियम होता है। एक तो ट्रापेज़ियम है और सेकंड इसके अंदर सेमी सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, एक सेमी सर्कल है। उसके बाद जो थर्ड इसके अंदर डायग्राम है वो हमारे पास क्या है जी, पैरेललोग्राम है। तो उसके अंदर यानी कि उसके अंदर ट्राइंगल थी और कंप्लीट सर्कल था, लेकिन इसके अंदर क्या है, पैरेललोग्राम है और सेमी सर्कल है, और इसका हमने जो शेडेड रीजन है उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया है उसको फाइंड करेंगे, और उसके बाद इसका जो एरिया है उसको फाइंड करेंगे, और टोटल में से इन दोनों के जो एरियाज होंगे उनको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इसके अंदर जो चीज़ एक समझने वाली है वो ये है कि ये हमारे पास ए की वैल्यू कंसिडर होगी, क्योंकि ये टू लाइन आपस में पैरेलल है ना। तो ट्रापेज़ियम का जो फार्मूला होता है एरिया को फाइंड करने का, वो होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी एच। तो इसके अंदर हमने देखना है कि हाइट क्या है, उसके बाद ए और बी की वैल्यू क्या है। तो अगर हम गौर करें तो देखें, सबसे पहले चलो मैं फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद आगे जो जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं उनको हमने कैसे सेट करना है वो मैं जो फार्मूला में जब पुट करूँगा तो आपको समझ आएगी, ठीक है। तो अभी हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये ट्रापेज़ियम का फार्मूला है एरिया को फाइंड करने का। इसमें से हमने माइनस कर दिया सेमी सर्कल का जो एरिया होगा उसको, उसके बाद माइनस हम कर देंगे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है। तो अभी हमने इसको देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से लेनी है, ठीक है। तो उसको मैं अभी पुट करता हूँ तो आपको समझ आएगी। देखें यहाँ पर आ गया जी 1/2 ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू वो हम लेंगे जो टू लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये टोटल हमारे पास ट्रापेज़ियम है, ये लाइन, ये एरो और ये एरो, ये शो कर रहा है कि ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये ए की वैल्यू कितनी आ गई जी, 15 सेंटीमीटर आ गई। ये यहाँ से यहाँ तक जो बी सी की लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आ गया जी 15 प्लस बी, तो बी की वैल्यू ए ई होगी, ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ए ई की जो वैल्यू है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ से यहाँ तक है 12 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक है 13 सेंटीमीटर। अगर हम इसको टोटल ऐड करें तो ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर बनता है। तो ए और ई की टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर, यानी बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हमने हाइट को देखना है। ट्रापेज़ियम के अंदर जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो हमारे पास होती है हाइट। तो अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो ए बी है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन। तो इसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो हाइट है तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, 24 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जी माइनस, ये सेमी सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है जी, 3.14 मल्टीप्लाई आर। तो अभी हमने देखना है कि आर की वैल्यू कितनी होगी।
यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना है, 15 सेंटीमीटर है ना, तो या जो उसका होता है रेडियस होता है वो हाफ होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एक सर्कल है ना हमारे पास, ये सेमी सर्कल है, तो ये ऐसे कंप्लीट एक सर्कल बनेगा। तो इसका जो ओरिजिन है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल वैल्यू कितनी है, 15 है ना, तो उसका जो रेडियस, ये हमारे पास डायमीटर है, तो इसका जो रेडियस होगा वो डायमीटर का हाफ होगा, यानी 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा, यानी 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 7.5 आएगा। तो इसका जो रेडियस है वो 7.5 हम लेंगे, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी, 7.5 आ गई। ठीक है, आपने 15 नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका जो रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा, 7.5 बनेगा, इसका हाफ बनेगा, टोटल डायमीटर है, हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। अब ऊपर इसका स्केयर है तो हमने ऊपर स्केयर लगा दिया। ठीक है, ओवर आ गया जी 2 आ गया, क्योंकि ये सेमी सर्कल है ना, तो कंप्लीट सर्कल का होता है पाई आर स्केयर, सेमी सर्कल का मतलब ओवर हम कर देंगे 2, यानी उसका हाफ कर देंगे सर्कल का, तो यहाँ पर आ गया जी माइनस, यानी ये पैरेललोग्राम का एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है बी एच। तो अभी हमने देखना है कि जो जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है पैरेललोग्राम के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। तो जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, इसके ऊपर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास बेस कंसीडर होगी। ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, तो बी की यानी बेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। और उसके बाद हाइट, जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो हमारे पास हाइट होती है पैरेललोग्राम के अंदर, तो ये जो एफ डी है यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये गिवन है कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, तो ये कितना है जी, 16 सेंटीमीटर है, तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अभी सिंपल इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पर आ जाएगा जी 1/2, 1/2, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो यहाँ पर आ गया जी हमारे पास 40, और यहाँ पर आ गया जी 24, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, माइनस 3.14 मल्टीप्लाई, अब 7.5 का स्केयर लेंगे, यानी 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, तो ये आ जाएगा 56.25 ओवर, ये जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा जी 2 माइनस, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 16, तो ये आ जाएगा जी 208 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, अब ये 2 1s are 2, 2 1s are 2 और 2 2s are 4 होता है। अभी 12 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 480, यानी कि 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 और ये 0 आ गया, यानी 480 आ गया। और यहाँ पर आ गया जी माइनस, अब 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 56.25 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 176.625 ओवर, यहाँ पर आ गया जी 2 माइनस, यहाँ पर आ गया जी 208 आ गया। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 480 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर आ गया जी 480 माइनस, अब 176.625 को 2 से हम अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 88.31, यहाँ पर आ गया जी 88.31 आ जाएगा, माइनस आ गया जी 208। अब 480 में से ये दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 183.69 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 183.69 है ना, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 184 भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 184, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी जी हमारे पास, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी वैल्यू को हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रापेज़ियम का टोटल एरिया को फाइंड किया, और सेमी सर्कल का जो एरिया है उसको फाइंड किया, और माइनस हमने कर दिया पैरेललोग्राम, इन दोनों को हमने टोटल ट्रापेज़ियम का जो एरिया उसमें से माइनस किया, तो हमारे पास जो शेडेड रीजन था ये आ गया। और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो गिवन डाटा है वो हमें ये कह रहा है कि जो ए बी सी डी है ना, ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और जो ए ई डी है, जो ए ई डी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल वो हमारे पास डायग्राम होती है जिसका जो एक एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आप देख सकते हैं कि ए ई डी
जो डी ई या ई डी जो एंगल बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। और जो सेकंड, तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ए बी सी डी है ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और सेकंड ये है कि जो ए ई डी है ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और थर्ड वो ये कहना चाह रहा है कि जो ए ई और ई बी यानी ए ई एंड ई बी के दरमियान जो रेशियो है ना वो 1:3 है, 1:3 है। तो हमने एरिया फाइंड करना है ट्रापेजियम का। अगर मैं ए ई डी को इग्नोर कर दूं, यानी इसको मैं यहाँ से ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना, अगर इसको मैं इग्नोर कर दूं तो ये हमारे पास जो ई बी सी डी बन रहा है ना, जो बी सी डी ई पढ़ लें इसको, बी सी डी ई पढ़ लें या ई बी सी डी पढ़ लें, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास एक ट्रापेजियम बन जाती है। तो इसका हमने क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है। तो अभी हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं तो आपको समझ आएगी कि हम इसके एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो एक राइट एंगल ट्राइंगल थी इसका हमने एरिया को फाइंड करने का फार्मूला मैंने लिख लिया है। ये देखें, ए ई डी का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बी एच, बी का मतलब है बेस और एच का मतलब है हाइट। तो हमने लिखा 1/2, ये 1/2 इधर आ गया बेस, तो बेस जिसके ऊपर एंगल बन रहा होता है ना वो हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। तो ए ई हमारे पास बेस है तो हमने लिखा ए ई मल्टीप्लाई एच, एच का मतलब है हाइट, तो हाइट इसकी आ गई डी ई, ये हाइट बन रही है। तो डी ई ये इक्वल है 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर के, ये हमारे पास गिवन डाटा है, ठीक है। ये जो गिवन डाटा है इसकी बेस पे मैंने ये लाइन यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। अब देखें, उसने जो हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो ए ई एंड ई बी है ना इसके दरमियान जो रेशो बन रही है ना वो है रेशो 1:3 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखें ये ए ई, ये वाली ए ई यहाँ पे हम लिखते हैं जी ए ई, ये रेशियो है ई बी, तो यहाँ पर आ गया जी ई बी, ये किसके इक्वल है रेशियो 1:3 के। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया जी 1:3 लिख लिया, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखें ए ई ओवर ई बी, यहाँ पर आ गया जी ई बी आ गया, ये इक्वल आ गया 1:3 है ना, इसको मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। अभी आपने सिंपल क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अभी ई बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं। अब ई बी को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा जी ई बी, वैसे ही आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। अभी 3 को ए ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3 ए ई आ जाएगा, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, आपने इस बात को माइंड में रखना है कि ये रेशो को मैंने कैसे सोल्व किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अभी ये हमारे पास टोटल जो है डायग्राम, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए बी होगा, यानी ए बी होगा ये डी सी के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये जो लाइन है, ये टू लाइन आपस में पैरेलल भी हैं और जो लेंथ वाइज भी ये एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी ये इक्वल होगा डी सी के, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये पोर्शन आपने माइंड में रखना है। और ये जो ऊपर मैंने लिखा है 1/2 इंटू ए ई मल्टीप्लाई डी ई इक्वल 25 के, आखिर में ये वाली जो वैल्यू है ना ये यूज़ होनी है, इसको आपने स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले आपने ये लिख लिया और रेशो वाला जो पोर्शन था उसको मैंने सोल्व करके ये वाली वैल्यू मैंने निकाल ली है। अभी ए बी और डी सी को हम एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा जी ए बी, हम यहाँ पर लिखते हैं जी ए बी ये इक्वल है डी सी के, क्योंकि गिवन डाटा के अंदर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ए बी इक्वल है डी सी के, तो यहाँ पर आ गया जी डी सी आ गया। अब देखें जो ए बी टोटल है, जो ए बी टोटल है इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए ई प्लस ई बी के, क्योंकि ये इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना, कि जो ए बी है इसको हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी के। तो ए बी की जगह पर अभी मैं लिखूँगा ए ई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ए ई प्लस ई बी, तो यहाँ पर आ गया जी ई बी आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, यहाँ पर आ गया जी डी सी आ गया। अब देखें जो ए ई है प्लस ई बी इक्वल आ गया डी सी के, ए बी की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख ली। अब देखें जो ई बी है ये किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू देखें, जो ई बी है ये इक्वल है 3 ए ई के,
ठीक है। तो ए ई बी की जगह पे अभी हम 3AE को लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा जी ए ई प्लस ई बी की वैल्यू, ये वाली पुट करेंगे अभी हम, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3AE, ये इक्वल आ जाएगा डी सी के। अब इनको ये देखें, ये 1AE है और ये प्लस 3AE है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, जैसे x प्लस 3x होता है तो 4x बन जाता है ना, तो ये 1AE, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो ये 3 है, ये भी AE की वैल्यू है, ये भी AE की वैल्यू है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 4AE, यानी 4AE ये इक्वल आ जाएगा जी डी सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये वैल्यू सबसे पहले ये वाली वैल्यू मैंने निकाल ली है, उसके बाद ये वाली वैल्यू निकाल ली है, अब मैंने ये वाली वैल्यू निकाल ली है, इनको आपने माइंड में रखना है और अभी हम आगे क्वेश्चन को मज़ीद सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, ट्रापेजियम का जो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, 1/2 (n)(a+b) मल्टीप्लाई एच। तो सिंपल हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और जो वैल्यूज़ मैंने अंडरलाइन की हुई हैं ये आगे भी यूज़ होंगी, इनको आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर आ गया जी 1/2 (n)(a+b), तो a और b की वो वैल्यूज़ कंसीडर होंगी जो आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम सोल्व कर चुके हैं बार बार, जो टू लाइंस ट्रापेजियम के अंदर पैरेलल होती हैं वो ए बी क्या होती हैं, कंसीडर होती हैं। तो इसके अंदर ये ई बी और जो डी सी है ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो ये हमारे पास ए और बी कंसीडर होंगी, तो ए की जगह पे भी हम लिखेंगे ई बी और बी की जगह पे भी हम लिखेंगे डी सी। तो ए की जगह पे हमारे पास आ गया जी ई बी, यहाँ पे हमने लिख लिया जी ई बी प्लस डी सी मल्टीप्लाई हाइट, तो जो ये टू लाइन आपस में पैरेलल है ना, तो जो ट्राइंगल की हाइट थी वही इसकी होगी, तो डी ई हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी, तो यहाँ पर आ गया जी डी ई इसकी आ गई जी हाइट आ गई, ये इक्वल आ गया जी 1/2। अभी देखें जो वैल्यूज मैंने निकाली हैं वो मैंने पुट करनी है, अब देखें ई बी किसके इक्वल है, ई बी इक्वल है 3AE के, तो ई बी की जगह पर अभी हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3AE प्लस, ये देखें ये डी सी है, तो डी सी किसके इक्वल मैंने निकाला है, 4AE के, तो यहाँ पर आ गया जी 4AE आ गया। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, और साथ में आ गया जी DE आ गया और यहाँ पर आ गया जी DE आ गया। अब आगे मजीद इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर आ गया जी 1/2, अब देखें ये 3AE है प्लस 4AE है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ये बन जाता है 7AE, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 7AE और मल्टीप्लाई DE, तो यहाँ पर आ गया जी DE आ गया, ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर दें। अब देखें ये 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा जी 7/2, यहाँ पर आ गया जी 7/2 (n)(2), ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी वैल्यूज़ AE, तो यहाँ पर आ गया जी AE मल्टीप्लाई DE, तो यहाँ पर आ गया जी DE, ये इक्वल आ गया, देखें ये 7 को मैं अगेन बाहर निकाल रहा हूँ, 7 को मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, 1/2, यहाँ पर आ गया जी 1/2, अगर 7 को मैं 1 से अगेन मल्टीप्लाई करूँ तो 7/2 ही बन रहा है, 1/2 (n)(AE), देखें यहाँ पर आ गया जी AE मल्टीप्लाई DE। यहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, वहाँ पे चले जाएं उस पर गौर करें, देखें 1/2 (n)(AE) मल्टीप्लाई DE की वैल्यू किसके इक्वल है, ये इक्वल है 25 के, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, ये किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को अभी पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया जी 7 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास गिवन है वो है 25, तो यहाँ पर आ गया जी 25 आ गया, और अभी 7 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आ जाएगा 175, और यहाँ पर आ गया जी 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही वैल्यू को हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने जो ए ई डी है उसका गिवन हमारे पास एरिया है, उसके बाद रेशो को आपने यूज़ करना है, रेशो को यूज़ करने के बाद आपने जो टू लाइंस आपस में इक्वल हैं उनको यूज़ करना है, ई बी की वैल्यू निकालनी है, 4AE की मतलब कि डी सी की वैल्यू निकालनी है, फिर फार्मूला लिखना है, ए बी की वैल्यूज़ को पुट करना है, फिर जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं उनको पुट करना है और आगे उसको सोल्व करना है। तो हमारे पास जो ट्राई एंगल का फार्मूला था, राइट एंगल ट्राई एंगल का जो फार्मूला था
वही बन जाएगा, ठीक है। वो सेवन हमारे पास एक्स्ट्रा बनेगा, वैल्यूज़ को सोल्व करने से जो हमारे पास सेवन एक्स्ट्रा बनेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, और ये जो हमारे पास गिवन एरिया है इसको पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 11, और अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसका जो एरिया है वो गिवन है, जो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ना, इसका एरिया हमारे पास गिवन है, वो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमने फाइंड करना है एक ट्राइंगल ए बी ई, यानी कि ए बी ई जो ट्राइंगल है यहाँ से ये वाली, इसका हमने क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है। और जो ए डी एफ है, यानी ए डी एफ है, इसका हमने एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। और गिवन क्या है कि जो बी सी, जो बी सी है ये सी ई के क्या है, इक्वल है, और जो डी एफ है ये एफ सी के क्या है, इक्वल है। और हमने ए एफ ई एंड जो बी सी ई है, ए एफ ई, ठीक है, जो ए एफ ई और उसके साथ जो बी सी ई है, जो बी सी ई है, ये हमारे पास क्या है, टू स्ट्रेट लाइंस हैं। ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको हमने यूज़ करते हुए हमने ए बी ई और ए डी एफ जो ट्राइंगल्स टू हैं, इनका हमने एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। अभी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम का जो ए बी सी डी है, जो इसका जो एरिया वो है गिवन 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो मैंने लिख लिया है। तो इसका जो फार्मूला होता है एरिया को फाइंड करने का, वो होता है बी एच। बी का मतलब है बेस और एच का मतलब है हाइट। तो अभी देखें, ये हमारे पास गिवन है ए बी सी डी, तो मिड पॉइंट क्या है, बी सी है। तो आप जानते हैं कि जो मिड पॉइंट होता है उसके ऊपर क्या बनता है, एंगल बनता है। अगर बी सी के ऊपर एंगल बनेगा तो हमारी जो बेस है वो भी बी सी ही होगी। तो मैंने बेस लिख ली है बी सी मल्टीप्लाई एच, एच का मतलब है इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया जी, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ गया। ये जो लाइन है ना, इसको आपने माइंड में रखना है, इसको आगे हम बार बार यूज़ करेंगे। समझ आ गई कि बी सी मल्टीप्लाई एच मैंने कैसे बनाया है। ए बी सी डी की जो फार्मूला है ना एरिया को फाइंड करने का, वो है बी एच। तो बेस हमारे पास बी सी बनेगी, ये जो बी सी है ये हमारे पास बेस बनेगी, और एच का मतलब हाइट जो हमारे पास नहीं है, इसको मैंने वैसे ही एच लिख लिया है, और ये इक्वल है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो अभी जो ट्राइंगल ए बी ई है, ए बी ई है, इसका हमने एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। ये ट्राइंगल ए बी ई मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका जो फार्मूला होता है फाइंड करने का एरिया, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बी एच। ये फार्मूला क्या होता है, 1/2 बी एच होता है। तो अब यहाँ पर आगे जी 1/2, अब देखिए जो बी है ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो बी पॉइंट के ऊपर हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो 1/2, अब जो बेस बनेगी ना, देखें ए बी ई है, तो बी के ऊपर हमारा क्या बनेगा, यानी जो बी ई लाइन है ना, इसके ऊपर हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो बी ई हमारी क्या होगी, बेस कंसीडर होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी बी ई बेस हमारी होगी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया जी बी ई लिख दिया, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई एच, तो एच हमारे पास नहीं है, गिवन नहीं है, तो इसको हम वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। अब ये इक्वल आ गया जी 1/2, यहाँ पर आ गया जी 1/2 आ गया। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये जो मैंने निशान लगाए हुए हैं ना, इसका मतलब ये है कि बी सी जो है ये सी ई के क्या है, इक्वल है। ये हमारे पास गिवन भी है, देखें जो बी सी है ना ये सी ई के क्या है, इक्वल है। ये हमारे पास बुक के अंदर उसने गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। ये क्या है, 5 है, तो ये भी क्या होगी, 5 होगी। अगर मैं बी सी और सी ई को, और उसने गिवन हमारे पास देखें ये बी ई दिया हुआ है, ये बी ई दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखें ये बी ई है ना, इसकी जगह मैं बी सी लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ बी सी लिख दूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, बी सी लिख दूँ बी ई की जगह पर। अब देखें जो बी सी है ये डबल है बी ई का, क्योंकि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 5 होगी। तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो मैंने बी सी की वैल्यू लिख दी है ये वाली, तो मतलब ये है कि ये 5 मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो मुझे तो चाहिए बी ई की वैल्यू, तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। मल्टीप्लाई क्या कर दूँगा, 2 कर दूँगा, ठीक है। मैंने जो बी सी की वैल्यू है वो डबल है किसके, बी ई के, ठीक है, हो गया। यानी बी ई की जगह पे मैंने बी सी यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई क्या आ गया यहाँ पर, ये एच आ गया। समझ आ गई स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो बी ई का बी सी हाफ़ है, तो मैंने हाफ़ लिख दिया।
जब मैं बी ई की वैल्यू निकालूंगा तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी ई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया जी, बी सी मल्टीप्लाई एच आ गया। तो अभी आप ऊपर देखें, बी सी मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या आ जाएगा जी, 80 सेंटीमीटर स्क्वेयर ही इसका क्या आ जाएगा जी, एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने सिंपल क्या करना है, बी ई की वैल्यू डबल होगी बी सी का, आपने बी सी लिखा क्योंकि बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो बी सी की वैल्यू डबल है बी ई के, तो आपने 2 लिखा, बी सी लिखा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बी सी मल्टीप्लाई एच, और बी सी मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 80 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास ए बी ई का क्या आ गया जी, एरिया आ गया। अब हम ए डी एफ का जो एरिया है उसको फाइंड करते हैं। अभी हम करते हैं ए डी एफ जो ट्राइंगल है इसका एरिया को हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला है 1/2 बी एच, बी का मतलब है बेस और एच का मतलब है हाइट। तो बी सी की जगह पे अभी मैंने डी सी क्यों लिखा है ये आप बात माइंड में रखें, क्योंकि जब हम ए बी ई की वैल्यू को हमने फाइंड करना है तो हमने बी सी जो है, यानी बी सी जो है इसको हमने बेस कंसिडर करना है, और जब हम ए डी एफ की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो डी सी है, डी सी जो है इसको हमने बेस कंसिडर करना है, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है उसके ऊपर क्या बनता है, एंगल बनता है। तो जब हमने ए बी ई को फाइंड किया तो बी सी के ऊपर एंगल बना, तो हमने बी सी को बेस कंसिडर किया। जब ए डी एफ और डी के ऊपर एंगल बनेगा तो डी एफ, तो डी सी को हम क्या करेंगे, बेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया जी 1/2 बी एच, ये इक्वल आ जाएगा जी 1/2, तो हमने वैसे ही लिखा, यहाँ पर आ गया जी 1/2। अब देखना है कि बेस क्या होगी, देखें ये हमारे पास ट्राइंगल क्या है, ए डी एफ है, तो हमारे पास जो डी सी है अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास डी एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी सबसे पहले चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी एफ, क्योंकि डी मिड में है ना, तो इसके ऊपर एंगल बनेगा तो डी एफ हमारी बेस कंसिडर होगी। तो चलो मैं यहाँ पर भी फिलहाल लिख रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा जी डी एफ आ जाएगा, डी एफ आ गया मल्टीप्लाई एच, क्योंकि एच की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमने एच लिख लिया। अब देखें यहाँ पर आ गया जी 1/2, अब देखें डी एफ की वैल्यू मेरे पास नहीं है लेकिन डी सी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, डी सी मल्टीप्लाई एच ये इक्वल है 80 सेंटीमीटर स्क्वेयर के। अगर मैं डी सी को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास डी एफ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 2 वैल्यूज इक्वल हैं। अगर ये टोटल डी सी 10 है तो 5 ये होगी, 5 ये होगी, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आता है, 5 आता है, लेकिन अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि हमने जिसका प्रीवियस जो पार्ट है हमने वो सॉल्व किया है। तो डी एफ की जगह पे भी मैं लिखूंगा डी सी, और इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास डी एफ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डी सी का हाफ डी एफ है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी डी सी, यहाँ पर मैंने लिखा जी डी सी, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 के साथ, जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास डी एफ की वैल्यू ही आ गई, और यहाँ पर आ गया जी एच आ गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया जी 4, और यहाँ पर आ गया जी डी सी, ये आ गया जी मल्टीप्लाई एच ओवर क्या आ गया जी 4 आ गया। ठीक है, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब डी सी मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है जी 80 है, ये ऊपर गिवन है, ओवर कितना आ गया जी 4 आ गया। अब 80 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है जी 20 होता है, तो यहाँ पर आ गया जी 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है जी ए डी एफ का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ए डी एफ, ए डी एफ ये हमारे पास आ गया है जी 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर, जो कि हमने फाइंड करना था। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको 7B जो एक्सरसाइज है इसकी समझ आई होगी, मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया है। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।